Hi everyone, welcome to GS Guide Study Center. Today we will discuss about lakes of Himachal Pradesh. Himachal Pradesh ki lake jo hai wo ek important topic ho jata hai aapka exam ke liye, kyunki yahan se question put kar liye jate hain aur sometimes jo hai wo question pooch liya jata hai ki Himachal Pradesh ki kaun si jo aapki lake hai wo kaun se district mein hai. Theek hai, so let's begin. The first one is Mandi district. मंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ की इम्पोर्टेंट लेक बन जाती है आपकी प्राशर लेक. प्राशर लेक जो है वो मंडी से, जो मंडी टाउन है उससे 50 किलोमीटर दूर है. ये जो है वो 2730 मीटर एल्टीट्यूड पे है और प्राशर लेक जो है इसे जो है वो तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है. ठीक है, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन की मैं आपको बात करूँ तो बन जाता है कि यहाँ पे एक जो है वो पराशर ऋषि का टेम्पल है जो कि हमें यहाँ दिख रहा है. ठीक है, यहाँ से पे जो है वो पराशर ऋषि का एक टेम्पल है जो कि पैगोडा शैली से बना हुआ है. 3 मंजिला टेम्पल है और इसका संबंध जो है वो ऋषि पराशर से है और यहाँ पे जो है वो पराशर मेला भी हर साल मनाया जाता है. ठीक है, और यहाँ पे जो है बहुत सारी किस्मों की जो मछलियां हैं वो भी पाई जाती है, ध्यान रखना है. नेक्स्ट वन इज द रिवालसर लेक. रिवालसर जो है वो 23 किलोमीटर है, आपके मंडी के वेस्ट साइड में ये पड़ती है. रिवालसर लेक के अल्टीट्यूड की बात करें तो 1360 मीटर. ये जो है वो तीनों धर्मों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक हो जाती है, हिंदू सिख एंड बुद्धिस्ट. ठीक है, अगर हम इस लेक से क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से आपसे यही पूछा जाता है कि ये कहाँ पे पड़ती है और इसके पीछे एक कहानी भी है. कहा जाता है कि यहाँ पे मंडी के एक राजा हुआ करते थे अर्षधर, जिनकी पुत्री का नाम था मंधर्वा. तो मंधर्वा जो थी वो बौद्ध धर्म की शिक्षा ले रही थी. ठीक है, तो क्या हुआ जब वो एक बार पद्म संभव से शिक्षा ले रही थी तो उसको देखा एक चरवाहे ने और राजा को बता दिया कि आपकी बेटी जो है वो किसी के साथ प्रेम प्रसंग में है. जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने मंधर्वा को जो था वो कांटों भरे गड्ढे में डाल दिया और पद्म संभव को बांधकर जो था वो एक चिता के ऊपर लिटा दिया और आग लगा दी. लेकिन कुछ दिनों बाद राजा ने देखा कि वहां पे जो है वो एक जो है वो क्या आ गया है, वहां पे एक कमल का फूल खिला हुआ है. उसके बाद राजा को पछतावा हुआ और उसने जो था वो मंधर्वा और जो पद्म संभव थे उनकी शादी करवा दी थी. ठीक है, कि इसके पीछे एक कहानी है. ठीक है, और यहाँ पर जो है वो पद्म संभव की एक बहुत ही बड़ी जो है वो मूर्ति भी बनी हुई है. नेक्स्ट वन इज कामरूनाग लेक. कामरूनाग लेक जो है ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है. ये जो है वो 3334 मीटर एल्टीट्यूड पे है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो बल वैली और जो धौलाधार रेंज है वहां पे ये पड़ती है. और अगर आपको कामरूनाग झील जाना होगा तो आप इसके लिए जो है वो फुट रूट ही ले सकते हैं, मतलब पैदल थोड़ा चढ़ाई चढ़ के ही इस झील के पास पहुंचा जा सकता है. और माना जाता है कि इस झील में जो है वो सोना चढ़ाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज पंडोह लेक. पंडोह लेक जो है वो आपके जब हम मंडी से जो है वो कुल्लू की तरफ जाते हैं तो बीच रास्ते में पड़ती है. ठीक है, ये जो है वो वहां से इसकी जो लेंथ है वो 14 किलोमीटर है और ये जो है वो NH-21 पे मौजूद है. जब सतलुज नदी और ब्यास नदी का पानी जब आपस में मिलाया गया था तो तब जो थी वो पंडोह लेक बनी थी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज मछियाल लेक. मछियाल लेक की बात करें तो ये जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के जो गिंदरनगर में पड़ती है. माइथोलॉजिकल वे से ही इसका नाम पड़ा हुआ है क्योंकि माना जाता है कि जो भगवान विष्णु थे उनका अवतार जो मत्स्य था, ठीक है, वो जो था वो इस झील में रहता है, जो लेक है यहाँ पे है. और कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि कुछ टाइम पहले पुराने समय में जो था वो जो मच्छिंद्र देव थे वो यहाँ पे दिखाई देते थे और लोगों ने उसको देखा है, तो इसलिए भी ये मंदिर ये जो लेक है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है और इसी लेक के पास जो है वो एक मंदिर भी बनाया गया है. द नेक्स्ट वन इज द कुंतभ्योग लेक. कुंतभ्योग लेक की बात करें तो ये 1700 मीटर अल्टीट्यूड पे है. ये जो है आपके जो रिवालसर लेक है उसके आसपास ही पड़ता है. ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो रिवालसर लेक है उसके आसपास काफी छोटी छोटी लेक्स पड़ती हैं जिनमें कि आपके कुंतभ्योग भी एक लेक आ जाती है. और यहाँ पे जो है एक जू है इसके पास ही. ठीक है, तो ये जो है वो लोगों के लिए अट्रैक्शन का कारण बन जाता है. नेक्स्ट वन इज सुक्सर लेक.
जो सुखसर लेक है वो भी आपके रिवर्सर टंग के आसपास की ही लेक है, और ये जो है वो 1760 मीटर एल्टीट्यूड पे है, और यहाँ पे जो है वो थिक वेजिटेशन पाई जाती है, और सेकेंड वन ये जो है एक अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है। नेक्स्ट वन इज कालासर लेक, तो ये भी आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की जो बात करें तो फर्स्ट वन इज द भृगु लेक। भृगु लेक जो है वो मनाली सिटी में आपके जो पड़ती है, जो ईस्ट साइड है रोहतांग पास का, वहां पे ये लोकेटेड है। भृगु लेक जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, और इसके पास जो है वो विशेष टेम्पल भी है, इसलिए लोगों के अट्रैक्शन का ये एक महत्वपूर्ण कारण है। माइथोलॉजिकल रीजन की बात करें तो कहा जाता है कि इसका नाम जो है वो महर्षि भृगु है उनके नाम से पड़ा है, क्योंकि ये जो है वो एसोसिएटेड है किसके साथ, महर्षि भृगु के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द नैनसर लेक। नैनसर लेक की बात करें तो ये 4000 मीटर एल्टीट्यूड पे है, जो भीम द्वार और जो श्रीखंड महादेव है उसके बीच में ये पड़ती है। ठीक है, जो भीम जो था उन्होंने यहाँ पे एक केव जो थी उसे बनाया था, और यहाँ पे जो है एक पिलग्रिम्स बात भी बन जाता है। कहा जाता है कि जब आप श्रीखंड महादेव की यात्रा पे जाते हैं तो बीच में ये लेक आती है। ठीक है, दैट इज द नैनसर लेक। दासीर लेक। दासीर लेक जो है वो रोहतांग पास के अपर साइड में है। ठीक है, और इसे जो है वो दासी लेक इज अ ट्रेजर कॉव, इसे ये भी कहा जाता है, और ये जो है वो देखने में जो कोबाल्ट है उसके कलर की तरह लगती है। सिरोल्सर लेक। सिरोल्सर लेक जो है वो आपके 3100 मीटर अल्टीट्यूड पे है, और ये जो है जो जलोरी पास है इसके साउथ ईस्ट साइड पे है। सेकेंड इससे जो है वो जो गोडेस नागिन है ये जो है रिलेटेड है गॉडेस नागिन से, और एक इम्पॉर्टेंट बात की कहा जाता है कि अराबी नामक का एक जो पक्षी है वो हमेशा यहाँ आता है और इस झील के पानी को स्वयं साफ करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मंतलाई लेक। तो मंतलाई लेक को पता है हमें, जो पार्वती ओरिजिनेट होती है आपकी, वो मंतलाई लेक से होती है, और ये जो है वो 4116 मीटर एल्टीट्यूड पे है। नेक्स्ट वन इज दायोरी लेक एंड द हंसा लेक। दायोरी और जो हंसा लेक है ये आपके लोकेटेड है सेंज वैली में। ठीक है, बोथ आर लोकेटेड इन सैंज वैली। नेक्स्ट वन इज अ लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के लेक की बात करें तो फर्स्ट वन इज अ चंद्रताल लेक। ये जो है वो लेंथ में 1 किलोमीटर है और विड्थ में 0.5 किलोमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये जो एल्टीट्यूड पे है वो है 4300 मीटर एल्टीट्यूड पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ सूर्यताल लेक। इसे जो है वो सूर्यताल या फिर सूरजताल भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है वो 4890 मीटर एल्टीट्यूड पे है, और ये लेक जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट लेक है। इंडिया की बात करें तो थर्ड नंबर पे है, और वर्ल्ड की बात करें तो 21 नंबर पे ही आपकी लेक आ जाती है। फर्स्ट नंबर इन हिमाचल प्रदेश, सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, एंड 21 लार्जेस्ट लेक इन वर्ल्ड। ठीक है, ये इसकी ब्यूटी की बात करी गई है। अगर आपको यहाँ से जाना है तो केलोंग डिस्ट्रिक्ट 5 किलोमीटर आगे ये पड़ती है। ठीक है, ओरिजिनेट होती है बारालाचा पास के पास, और ये जो है इसके आसपास जो है वो स्नो बहुत ज्यादा होता है, और ये देखने में काफी ब्यूटीफुल लगती है। नेक्स्ट वन इज द धनकर लेक। धनकर लेक जो है आपके जो धनकर मोनेस्ट्री है उससे 5 किलोमीटर दूर है, और ये है आपकी स्पीति में। दीपक ताल लेक। दीपक ताल जो है आपकी 3200 मीटर एल्टीट्यूड पे है। ये जो है वो दारचा एंड बारालाचा के बीच में पड़ता है। इसे जो है वो यंगर ब्रदर ऑफ सूरज ताल लेक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यंगर ब्रदर ऑफ सूरज ताल लेक इज द दीपक ताल लेक। द नेक्स्ट वन इज द युनामसू लेक। युनामसू लेक जो है वो 4680 मीटर एल्टीट्यूड पे है। नेक्स्ट वन इज द नीलकंठ लेक। नीलकंठ लेक को नीलकंठ लेक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देखने में जो है वो नीले रंग की है, इसीलिए इसको जो है वो नीलकंठ लेक कहा जाता है, और ये जो है आपकी जो नांगर वैली है लाहौल स्पीति में वहां पे ये पड़ती है। नेक्स्ट आता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की लेक्स की बात करें तो यहाँ पे टू मेन्स लेक आ जाती है। द फर्स्ट वन इज अ नाको एंड द सेकेंड वन इज अ सोरांग। जो नाको लेक है ये आपके पू सब डिविजन में पड़ती है, और इसका जो अल्टीट्यूड है वो 3662 मीटर अल्टीट्यूड पे है, और ये जो है वो जो नाको विलेज है वो आपके नाको लेक की बाउंड्री बनाता है। ठीक है, जैसे कि हमें पिक्चर में देखता है कि ये जो है आपकी लेक है और लेक के जो बाहर है आपका गांव है। ठीक है,
नेक्स्ट वन इज अ चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो खजियार यहाँ की जो है इम्पोर्टेंटली हो जाती है, ये देखने में बहुत सुंदर है और यहाँ पे जो है वो जो खजियार है उसके बीचों बीच ये लेक पाई जाती है। और यहाँ पे जो था वो 1992 में जो था वो एक स्विस यात्री थे जिन्होंने कि इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा था, और साथ ही ये जो है वो पैराग्लाइडिंग और हॉर्स राइडिंग के लिए भी फेमस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो खजियार को। ठीक है, चमेरा लेक। चमेरा लेक जो है हिमाचल प्रदेश की एक आर्टिफिशियल लेक है, ये ट्रेवल्स के बीच में काफी फेमस है क्योंकि कहा जाता है कि इसके पास जो ग्रीनरी है वो बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। यहाँ पे एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि आपकी रावी नदी पे बना हुआ है, उससे रिलेटेड है आपकी कौन सी लेक, चमेरा लेक। ठीक है, यहाँ पे जो है वो बोटिंग और फिशिंग भी की जाती है। नेक्स्ट वन इज द मनी महेश लेक। मनी महेश जो है वो 13,400 मीटर सॉरी फीट हाइट पे है, और ये जो है आपके भरमौर में पड़ती है। इसके पीछे माइथोलॉजिकल रीजन है, कहा जाता है कि जब लॉर्ड शिवा और माता पार्वती की जब शादी हुई थी तो उनके उन्होंने जो था वो शादी के बाद इसको जो था वो ऑरिजिनेट करा था, और ये जो है वो हिंदू जो लोग हैं उनके लिए काफी रिलीजियस लेक है। नेक्स्ट वन इज द लामा लेक। लामा लेक से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दैट इज अ ग्रुप ऑफ अ सेवन लेक्स। ठीक है, दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेवन लेक, ये भरमौर में ही है और ये जो है वो 3,962 मीटर एल्टीट्यूड पे है, दैट इज अ लामा लेक। नेक्स्ट वन इज द गड़ासरू लेक। गड़ासरू लेक जो है ये भी आपके कहाँ पे है, जो देवी कोठी विलेज है चुराह तहसील में, वहां पे ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसे जो है वो गड़ासरू महादेव लेक भी कहा जाता है और ये जो है वो 3,470 मीटर आल्टीट्यूड पे है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द महाकाली लेक। महाकाली लेक की अगर बात करें तो ये जो है आपके जो सानो और गुड़ियल विलेज है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे ये पड़ता है और ये जो है वो 480 मीटर्स एल्टीट्यूड पे है। ठीक है, और इसके ये जो है वो 6 महीने जो है वो बर्फ से ही ढकी रहती है, मतलब 6 महीने जो यहाँ पे बर्फ होती है और 6 महीने इसका पानी होता है, तो नवंबर टू अप्रैल ये जो है वो पूरी बर्फ से जमी रहती है। नेक्स्ट इज द सिरमौर। सिरमौर की इंपॉर्टेंट लेक आ जाती है आपकी रेणुका लेक। रेणुका लेक की अगर हम बात करें तो ये जो है वो लार्जेस्ट लेक बन जाती है। ठीक है, नेचुरल लेक है, नेचुरल लार्जेस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश की, और ये जो है वो सोई हुई स्त्री की तरह भी इसे कहा जाता है, मतलब इसकी शेप ऐसी लगती है कि ये जो है एक मानो सोई हुई स्त्री हो, और यहाँ पे बोटिंग भी की जाती है। नेक्स्ट वन ये जो रेणुका थी ये परशुराम की माता थी, तो ये उनसे रिलेटेड है और ये जो है वो 672 मीटर जो है वो एल्टीट्यूड पे है। ठीक है, नेक्स्ट इज द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट वन इज द डल लेक। जो डल है वो काफी ब्यूटीफुल लेक है, यहाँ पे जो है वो काफी टूरिस्ट घूमने भी आते हैं, और यहाँ पे जो एक फेयर बनाया जाता है क्योंकि लॉर्ड शिवा से ये रिलेटेड है और जो गद्दी जन जाति है वो यहाँ उनके बीच में ये लेक काफी पॉपुलर है, क्योंकि वो जो है वो शिव को अपना क्या मानते हैं, शिव जो है वो गद्दियों के देवता माने जाते हैं, तो इसलिए भी ये काफी जो है वो गद्दियों के बीच में फेमस है। ठीक है, और जो मेला लगता है यहाँ पे वो सितंबर मंथ में लगता है। नेक्स्ट वन इज द करेरी लेक। ठीक है, करेरी जो है आपके घेरा विलेज के पास पड़ती है, ये जो है 9,500 फीट पे है, कहाँ घेरा जो विलेज है उसके पास पड़ती है ये। ठीक है, पोंग लेक। पोंग लेक जो है ये आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। सेकेंड वन इसकी जो लेंथ है वो 42 किलोमीटर, ये क्वेश्चन बन जाता है कि इसकी लेक जो जो पोंग लेक है उसकी लेंथ कितनी है, तो 42 किलोमीटर। इसका जो अदर नाम है वो महाराणा प्रताप सागर लेक, इसे जो है वो महाराणा प्रताप सागर लेक भी कहा जाता है। इसे जो है वो सेंचुरी के रूप में 1983 में अपनाया गया था, बाद में 2002 में इसे जो है वो रामसर साइट भी घोषित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट, पोंग लेक को रामसर साइट कब घोषित किया, 2002 में। नेक्स्ट वन इज शिमला। शिमला की बात करें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेक बन जाती है वो है आपकी चंद्रनाहल लेक। चंद्रनाहल लेक जो है वो रोहडू में है। ठीक है, बब्बर नदी जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है।
ठीक है, और ये जो है वो ग्रुप ऑफ सेवन पॉइंट्स भी इसको कहा जाता है, जैसे कि ग्रुप ऑफ सेवन लेक्स इज द लांबा लेक एंड द ग्रुप ऑफ सेवन पॉइंट इज अ चंद्रनाहा लेक। नेक्स्ट वन इज तानोजुबल लेक जो आपके नारकंडा के पास पड़ती है। नेक्स्ट इज द गारा कुफरी एंड कराली एंड बारानुनसर, ये आपकी शिमला की लेक्स हैं। बिलासपुर, बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेक है आपकी गोविंद सागर लेक है, ठीक है, ये जो है वो बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी है हिमाचल प्रदेश की। तो ये जो जब भाखड़ा डैम बना था उस टाइम पे ये लेक जो है वो बनी थी, ठीक है, और इसका नाम जो था वो गुरु गोविंद सिंह के नाम पे पड़ा था जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। तो गाइज ये था आज का टॉपिक, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।